हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं इसके पाटीदार आप सभी का जी सेंटेक के इस प्लेटफॉर्म पे। तमाम पुराने बच्चे नए बच्चे सभी का कॉन्सेप्ट से भरे इन वीडियोस में, फन से भरे इन वीडियोस में, इंटरेस्टिंग वीडियोस में स्वागत है। कल या लास्ट टाइम तक हम चर्चा कर चुके थे कि ओपन लूप और क्लोज लूप के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। आज इसी लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ओपन लूप सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम के बारे में, बिकॉज इंटायर कंट्रोल सिस्टम का रेफरेंस पॉइंट है। तो उस रेफरेंस के बारे में जितना हम डिस्कशन कर सकें, जितने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ चीज़ों को समझ सकें, अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में तो ट्रांसफर फंक्शन हर चीज़ में फाइंड आउट करना ही है। लेकिन उससे पहले ये तो जान ले कि व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, और वो भी डेफिनेशन के माध्यम से, सिर्फ ऐसा नहीं कि दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, उसके पीछे की कहानी भी तो समझेंगे ना, ताकि चीज़ों को मजा आएगा सीखने में, चीज़ों को जीते हैं इस बार अपन। ठीक है, ओके भैया, आगे बढ़ता हूँ मैं, चर्चा करूँगा आपसे ओपन लूप और इसके बारे में सिस्टम में, क्लोज लूप के बारे में। अब देखो, जब मैंने आपको सिंपल सा बोला कि ओपन लूप सिस्टम वो हो गया जिसमें इनपुट दोगे रेफरेंस इनपुट और एक आउटपुट मिल जाएगा, उसके एग्जांपल भी मैंने आपको फैन जो आपके घर में चल रहा है उससे दिया मैंने, बराबर। क्लोज लूप के लिए भी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया और आपने डाइजेस्ट कर लिया, उसको समझ भी लिया। तो आज क्या करने वाले हैं, देखिए वन बाय वन मैं इसको थोड़ा डिटेल्ड डायग्राम बना के, यदि क्लोज लूप की बात करूंगा तो उसको थोड़ा और एनहांस करेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना एक काम करते हैं अपन, कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, और उसमें हम चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, मैं इसके लिए चलूंगा पावर प्लांट में। ठीक है, कहाँ चलने वाले हम, पावर प्लांट में। पावर प्लांट में आप में से बहुत सारों ने अपना इंजीनियरिंग के टाइम पर शायद अपना बोलते हैं तो ट्रेनिंग कंप्लीट जरूर किया होगा। तो पावर प्लांट में जहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जा रही है, वहाँ पे होता क्या है कि एक फर्नेस पेन में आप कोयले को, कोल को जलाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट बॉयलर में वाटर को बॉयल करते हैं। ओके, तो ये मेरी कहानी बॉयलर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के सिस्टम से रिलेटेड है, बिकॉज कंट्रोल सिस्टम इज एवरीवेयर। पावर प्लांट्स में आपने एनटीपीसी में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का सिलेक्शन होगा, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के नाम से उनके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट रहेगा, जो भी प्रोसेस चल रही है उसको कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी भैया। तो बॉयलर है, बॉयलर में टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा ना आपको। क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बॉयलर से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की सुपर हीटेड स्टीम को आपको किस पे देना है, टर्बाइंस पे देना है, यस और नो, विद हाई प्रेशर टर्बाइन घूमेगा, या कहूं कि जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सा फंडा है। तो पावर प्लांट के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट को हम यहाँ पे फिजिकली समझ के उसको कंट्रोल सिस्टम में कैसे उसको ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे वो हम समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम बात आज कर रहे हैं टेम्परेचर कंट्रोल की, टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ अ बॉयलर, एक फिगर बना रहा हूँ मैं। चलिए जी, ये एक डायग्राम बना दिया मैंने आपके सामने, अब वन बाय वन इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पावर प्लांट के अंदर आपके पास बॉयलर में वाटर जो है वो स्टीम बन रहा है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए पक्का है आपको उसको हीट देनी पड़ेगी। तो ये एक फर्नेस है जिसमें कन्वेयर बेल्ट से होके ये कोयला आ रहा है, इस कोयले को आप कंट्रोल कर रहे हैं भैया कि कितना यहाँ जाना है कितना नहीं जाना है। ओके, ये एक बात हो गई, ये एक बॉयलर हो गया। बॉयलर के अंदर जो है आपकी स्टीम आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ओवरऑल सिनेरियो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओवरऑल सिनेरियो में ये हो जाएगा कि फ्रॉम दिस बॉयलर अब हम क्या लेंगे आउटपुट में, इस बॉयलर से आउटपुट में हम स्टीम लेंगे, है ना, वेरी हाई प्रेशर की स्टीम। उस स्टीम से क्या होगा भैया, आपको वो स्टीम से टरबाइन पे डालना है, और टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा, टरबाइन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द जनरेटर, डायनेमो बोल सकते हैं, क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, वो बात की कहानी। मेरा फोकस क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ अ बॉयलर, इस पे मुझे फोकस करना है। ओके जी, अब क्या हुआ कि सपोज
मैं फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ आपके लिए कि आपकी फर्नेस में कोयला है, हीट जनरेट हो रही है, वाटर बॉयल हो रहा है। नाउ वाटर बॉयल होते 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 सपोज फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर गया, इसके बाद स्टीम जनरेट होना चालू हो जाएगी। सुपर स्टीम बना लिया फॉर एग्जाम्पल 150 डिग्री सेंटीग्रेड आपने इसको दिया और आपको वही प्रेशर मिल रहा है, वही स्टीम मिल रही है जो आपको टर्बाइन को घुमाने के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, सिर्फ 150 डिग्री, टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है डजेंट मैटर, 150 डिग्री पे आपको सुपर स्टेड स्टीम मिल रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टीम आप प्रेशर जनरेट कर पा रहे हैं इतना जो टरबाइन को घुमा सके। अब ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसमें आपको मेंटेन रखना है, आपका डिजायर्ड आउटपुट हो गया भाई साहब ये, कि 150 डिग्री टेम्परेचर को इसमें मेंटेन रखना है। कैसे पॉसिबल है बताइए आप, जब स्टीम जो है इस वाटर, ये वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और स्टीम पास होके जा रही है, इसमें वाटर लेवल भी कम हो रहा है, तो वाटर को भी इंटेक करवाना है आपको, साथ में कितना कोयला फर्नेस में डालना है इन पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे, यस और नो? चलिए, आपने वाटर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इसमें वॉल्व दे रखा है या इसमें व्यवस्था कर रखी है कि वाटर का इंटेक इसमें हो जाएगा। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस, मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की बात करना। अब देखो, बॉयलर की बात हो रही है, वेरी ह्यूज टेम्परेचर पे इनसाइड कहानी हो रही है। मैंने आपको शो करने के लिए 150 लिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो सेंसर यूज करते हैं, कौन सा भाई, थर्मोकपल टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसर। मैं सिंपली बना दे रहा हूं आपको दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने इसमें लगा दिया एक, चलिए एक टेम्परेचर सेंसर आपने इन्वॉल्व कर दिया इस सिस्टम में। चलिए, आपने लगा दिया टेम्परेचर सेंसर, ओके, हियर इट इज। क्या काम है इसका? इस टेम्परेचर को मेजर करना लगातार। अब क्या होगा, आपका ये टेम्परेचर सेंसर आपके सिस्टम को बताएगा कंटिन्यूअसली 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड कंटिन्यूअसली, चूंकि सेंसर लगा है इसका काम है टेम्परेचर मेजर करना, यह आपके कंट्रोल सर्किटरी को लगातार 150 डिग्री 150 डिग्री बताएगा। अब ये 150 डिग्री जो है आप कहीं ना कहीं फीड करेंगे ना, तो आपका जो कंट्रोल सिस्टम है आपका, इसको कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म है वहां पे ये 150 डिग्री आपको भेजना भेजेंगे। तो चलिए मैंने एक मान लेता हूं यहां पे एक कंट्रोल सर्किटरी मान लेता हूं, इस कंट्रोल सर्किटरी में ये जो 150 आप मेजर कर रहे हैं वो इसमें डालने वाले हैं, क्योंकि 150 डिग्री जो सेंटीग्रेड है उसके आधार पे ये कंट्रोल सर्किटरी कुछ फैसले लेने वाली है। ठीक है, ओके। आपका डिजायर्ड आउटपुट सपोज आपने सेट कर दिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका डिजायर्ड आउटपुट है, आपके कंट्रोल सिस्टम को ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि इसमें इतना पर्टिकुलर डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहे। अब क्या हुआ कि वाटर लेवल तो चलो इंटैक्ट है, यहाँ पे कोयला जल जल के कम हुआ, कम हीट प्रोड्यूस हुआ, तो अचानक यहाँ पे क्या आया कि यार टेम्परेचर सेंसर जो मेजर कर रहा है वो 150 नहीं करके अब 130 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर रहा है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर रहा है। अब ये कंटिन्यूसली मेजर आपके कंट्रोल सिस्टम में गया, दिस इज नथिंग बट द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम ने देखा, अरे यार कंट्रोल सिस्टम डिजाइंड है इस चीज के लिए कि इसका आउटपुट इतना मेंटेन रहे, फिक्स्ड रहे। इस कंट्रोल सिस्टम ने यार टेम्परेचर तो गिर गया 30%, 130 हो गया, 20% का डिडक्शन हो गया बराबर। इस कंट्रोल सिस्टम की सर्किटरी के दिमाग में, खोपड़ी में फिक्स है कि मेरे पास 150 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे मेंटेन करना है, इधर से आया 130 तो इसने तुरंत देखा कि 20 डिग्री की कमी है। अब ये क्या करेगा, इसके आगे जो भी सिस्टम कनेक्टेड है, ये कंट्रोल सर्किट, ये दिमाग है, ये दिमाग आगे की सर्किटरी को आदेश देगा कि भैया इसके टेम्परेचर की भरपाई करो, चलो हम आगे के सिस्टम बना लिए, चलो आगे का सर्किट बना लिया, आगे के सर्किट को चूंकि इसका जो भी आदेश है वो इसको स्वीकार करना है, तो लेट्स गिव द नेम एक्चुएटर, एक्चुएटर नाम दे दिया। अब एक्चुएटर क्या डिसीजन लेगा कि टेम्परेचर यदि बढ़ गया है, सॉरी टेम्परेचर यदि घट गया है मतलब हीट की कमी हो रही है,
हीट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फिर ओवरऑल सिस्टम में क्या करने वाला है कि यहाँ पे जो कोल की जो कमी हो गई है ना उसको भरेगा, आपका ऑटोमेटिक होगा सब कुछ, ये कंट्रोल सिस्टम सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे जो कोयला कम हो गया आप बढ़ाओ, बढ़ाएगा आपका सर्किटरी, तमाम बढ़ाने वाले सर्किट, आदेश लेने वाले सर्किट, एक्चुएटर मैंने शामिल कर दिए, इनका काम है कि यहाँ पे कोयले की आपूर्ति बढ़ाई जाए। उससे क्या होगा, आपूर्ति बढ़ाने से हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, ये 130 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, एक स्टेज आया कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, अगेन आपका सिस्टम में ये फीड है, सिस्टम वर्क कर रहा है, एक्चुएटर को अभी भी आदेश है कि बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। ये पहुंचते 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 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा और फिर सेंसर को आदेश, सेंसर 150 डिग्री सेंटीग्रेड शो किया, कंट्रोल सिस्टम ने समझा कि ये तो डिजायर्ड आउटपुट पे सेट है, भैया आदेश में लगा एक्चुएटर को कि रोक दे भाई, जो जहां है वहीं रुक जाए, ये आदेश आ जाएगा। वो नहीं, यूनाइटेड स्टेट ने आदेश दिया था, यूनाइटेड नेशंस ने आदेश दिया था अपने जम्मू कश्मीर वाले केस में, जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं, पाकिस्तान की तो वो कबायली लड़ रहे थे, हिंदुस्तान की सेना लड़ रही थी, नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस में गए, यूनाइटेड नेशन ने आदेश दिया जो है जहां वहीं रुक जाए, उसके बाद एलओसी बन गई है ना, सिमिलरली हो रही है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे इसने मेजर की आदेश मिलेगा जो है वहीं रुक जाए, नो कोयला फर्दर, ये सिस्टम चलता रहेगा, डिजायर्ड आउटपुट, इंटायर सिस्टम एक ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन चलो मान लो 150 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, के बजाय 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर ने मेजर किया, तुरंत इसको जाएगा फीडबैक, ये पता करेगा यार 10 डिग्री ज्यादा है, एक्चुएटर बोलो कम कर भाई, कम कर एक्चुएटर, आगे की प्रोसेस जो भी है वो इसको कम करेंगे, हीट को कम करना है, कोयले की आपूर्ति को कम करेंगे, जब तक करेंगे जब तक कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका आउटपुट नहीं पहुंच जाए। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहीं खड़ा रहना है, मेरे बगल में बंदा ए है, इधर बंदा बी है, अब मैं यदि इस टेरिटरी से इधर यदि चला गया तो ये धक्का दे देगा, इधर चला गया तो ये धक्का दे देगा, मैं इधर आया इसने मुझे धक्का दिया यहाँ तक, मैं इधर आया इसने मुझे धक्का दिया यहाँ तक, कहने का मतलब मेरी जगह है ये, दिस इज माई डिजायर्ड आउटपुट, दिस इज माई 150 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर मुझे स्टक्ड रहना है, इसमें मुझे फिक्स्ड रहना है, इस पे मुझे एकदम फिक्स रहना है, समझ रहे मेरी बात को। तो कंट्रोल सिस्टम का काम क्या हो गया कि जो भी डिजायर्ड आउटपुट होना उस पे आपका सिस्टम फिक्स्ड रहने वाला है। ठीक है, अब ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाने के पीछे की कहानी क्या है उस पे मैं आता हूँ। ठीक है, एक कंट्रोल सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम में देखूंगा आप, क्योंकि इंटायर कंट्रोल सिस्टम में आप ब्लॉक डायग्राम से ही चीजें देखने वाले हैं। एक डायग्राम बना रहा हूं, जो अभी एग्जाम्पल जिसकी अपन ने चर्चा करी, ये अपन ने देखा, इसको पूरा हम इस डायग्राम में आप जो अभी जो बनाए इसमें आपको शो करने की कोशिश करेंगे। देखो, आपका रेफरेंस इनपुट हुआ, रेफरेंस इनपुट जो था वो क्या था कि आपके ओवरऑल सिस्टम को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स रहना है, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो था ना वो आपका रेफरेंस इनपुट था जो आप फीड किए कंट्रोलर को। ओके, कंट्रोलर को 150 डिग्री, अभी ये भूल जाइए, ये फीडबैक भूल जाइए, क्योंकि आउटपुट से अपन लेके आएंगे ना, 150 डिग्री कंट्रोलर के दिमाग में है, कंट्रोलर ने सेट कर लिया, कंट्रोलर को इनपुट मिला 150 डिग्री कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड का अपने को कांस्टेंट रखना है आउटपुट, लिखा है ना आउटपुट और कंट्रोल्ड वेरिएबल, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दिमाग में इसके कंट्रोलर के दिमाग में है। अब कंट्रोलर किसको आदेश दिया था, देखो कंट्रोलर ने किसको आदेश दिया, ये कंट्रोलर ने किसको आदेश दिया, एक्चुएटर को, या यहां पे जो मैं बोल दिया प्रोसेस और प्लांट, जो भी आगे प्रोसेस करनी है या आपका जो प्लांट है उसको ये सिग्नल गया कि तेरे को क्या करना है, 150 गया साहब, इसको भी 150 गया, आउटपुट जो है वो 150 यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। लेकिन आउटपुट 150 डिग्री सेंटीग्रेड ना आके 140 डिग्री सेंटीग्रेड आया, 140 डिग्री सेंटीग्रेड आया। अब देखो ये पूरी स्टेजेस में
आउटपुट एटमॉस्फेयर इस पूरे सिस्टम को, कोई सी भी प्रोसेस हो उसको आउटर एटमॉस्फेयर अफेक्ट करता है, ऑलवेज करता है। अपन इसकी भाषा में बोल सकते हैं डिस्टरबेंसेस। डिस्टरबेंसेस इस प्रोसेस में कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी स्टेज में डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। मैंने दिखाया नहीं बट आप समझ लीजिए। बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंसेस ऑल्सो ये टेम्परेचर जो है वो डाउन हो सकता है। कैसे? जस्ट इमेजिन क्या हो गया कि यू नो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फैन के एग्जाम्पल, आपका फैन 5 की स्पीड से चल रहा है, अचानक क्या हुआ कि एकदम यू नो समझ लीजिए जोर से हवा चलने लग गई, बाहर से आंधी हवा आ गई, तो वो पंखा जो है ना वो अपनी स्पीड कम कर देगा क्योंकि उसकी हवा और आने वाली बहने वाली हवाएं एक दूसरे से कोलाइड करेंगी। तो कहने का मतलब, समझाने का मतलब यह था कि आउटर एटमॉस्फेयर में होने वाली प्रोसेसेस आपकी मेन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है, इसे भी कर सकती है ना। अब आउटपुट हमें 140 डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअल में आ रहा है, लेकिन इसको मेजर करके ही पता चलेगा कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आउटपुट से हमने एक सेंसर कनेक्ट किया ना, देखो ये आउटपुट है, यहां से एक सेंसर कनेक्टेड है। इस सेंसर का काम क्या है? मेजर करना, आउटपुट ट्रांसड्यूसर सेंसर। इसका काम है, ये टेम्परेचर इनपुट को लिया और आउटपुट में आपका एक वोल्टेज सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। बिकॉज आगे की सर्किटरी कंट्रोलर जो काम कर रहा है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पे काम कर रहा है, वो एक वोल्टेज पे काम कर रहा है, ठीक है? ओके सर, इसने मेजर करके आपको दिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपका रेफरेंस इनपुट से आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड को कंपेयर करोगे कि नहीं? हाँ, तो कंपेयर करने के लिए द बेस्ट चीज क्या? नेगेटिव साइन। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। यदि 150 डिग्री और 40 डिग्री को, इन दोनों को यदि मैं माइनस कर दूं, ये तो इस सिस्टम में जा रहा है, सो लेट्स टेक इट प्लस, बट ये फीडबैक जो आपका सिग्नल आया उसको आप माइनस से कर देंगे। क्यों माइनस से कर देंगे? क्योंकि इसको आपसे ये पता चल जाएगा, दिस माइनस दिस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो, उससे आपको ये पता चल रहा है कि एक्सेस है कि कमी है। क्या करना है? देखो 140 डिग्री प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आया, प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ ये कंट्रोलर जो है ना ये कैलिब्रेटेड है कि जब भी इसको पॉजिटिव 1, 2, 3 फलाना देखना जो भी टेम्परेचर मिले उस पर्टिकुलर के रिस्पॉन्स में प्लांट को तुरंत बोलेगा कि भाई बढ़, अब बढ़ो, बढ़ाओ आउटपुट जो था डिजायर आउटपुट बढ़ाओ, पॉजिटिव इसका साइन इसको सिग्नल देगा जो भी आउटपुट में आप इसको प्लांट को देगा कि भाई बढ़ाओ, मेरे को आउटपुट बढ़ाया हुआ चाहिए, नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ये जो है बंदा काम कर रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस सिग्नल प्रोसेस और जो प्लांट है वो फैसला लेगा आगे बढ़ाएगा। लेट्स टेक द टेम्परेचर, अब यहां पे हो गया 160 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन ये मेजर किया कि टेम्परेचर हो गया 160 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ दिस माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर यहां पे ये वाला सिग्नल माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड बना। नाउ माइनस कंट्रोलर में फीड है, कैलिब्रेटेड है कंट्रोलर आपका कि आपको प्रोसेस को बोलना है, प्लांट को बोलना है कि मेरा जो आउटपुट है वो घटाओ घटाओ, तो प्रोसेस उसके हिसाब से एक्शन लेगा और यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करेगा आउटपुट जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक 150 डिग्री सेंटीग्रेड ये नहीं होगा तब तक कंट्रोलर प्रोसेस प्लांट काम करते रहेंगे। यदि ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सारी चीजें स्मूथली काम कर रही है। कहने का मतलब ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया और ये अपने आप को सेल्फ करेक्शन कर रहा है। दिस इज नथिंग बट द सेल्फ करेक्टिंग लूप। इसको फिक्स कर दिया आपने 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से जरा सा भी डेविएशन हो गया तो इसका जो ये फीडबैक सर्किट है, इसका जो कंट्रोल सर्किटरी है, ये इसको खुद को इस पे फिक्स कर रही है। यस और नो? खुद का रेगुलेशन कर रही है। तो सोचो ये कंट्रोल सिस्टम कितना एक्यूरेट रहेगा। अरे 150 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस करना है तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड करे ना, 150 डिग्री सेंटीग्रेड जब नहीं हो रहा है तो कंट्रोल सर्किट रिएक्शन लेके 150 ले दे रही, तो वेरी एक्यूरेट ना।
आप सोचो कि ये कंट्रोल सर्किटरी नहीं होती, ये कंट्रोल सर्किटरी नहीं होती तो ये सिस्टम एक ओपन लूप सिस्टम होता। ओपन लूप सिस्टम ना, ओपन लूप सिस्टम में आपने 150 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर दिया कंट्रोलर को, कंट्रोलर ने प्रोसेस को बोल दिया, आउटपुट 150 डिग्री सेंटीग्रेड आपने मान लिया। अब नहीं पता कि आउटर एटमॉस्फेयर से इसको कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहा है या कुछ भी, आपको नहीं मालूम। सिंपल प्रोसेस चल रही है, आउटपुट ये मान के 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ओपन लूप सिस्टम है। तो इंटेलिजेंट सिस्टम कौन हो गया? क्लोज लूप सिस्टम, यस और नो? सो प्यारे बच्चे, ये बात आपको सीधी सी बेसिक सी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, जब भी फीडबैक चला जाए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, फीडबैक नहीं हो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। सीधी सी बात है, क्लियर है? कुछ और बत्ती जली आपको ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में? कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए क्लोज लूप की बात करूँ तो? अरे सर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगी, ये खुद को करेक्ट कर लेती है लोड के हिसाब से, उसमें कितने कपड़े आप धो रहे हैं उसके हिसाब से ही ये मैकेनिज्म तैयार कर लेती है, ठीक है? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एसी की मैं बात कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में भी मैं आपको बताऊँगा। अब मान लो ये एक ओपन सिस्टम होता, तो ओपन सिस्टम के तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, आपका फ़ैन हो गया, आपकी आयरन जो आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन, ट्रैफिक लाइट वाला जो है मैंने आपको कल बताया था, दिस इज नथिंग बट द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट जो है वो भी एक ओपन लूप सिस्टम में हो गया। ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? अब देखो, आपने ये बता दिया कि सर कंट्रोलर है, कंट्रोलर को आपने इनपुट दिया, उसने आपको आउटपुट दे दिया, ओके दैट्स इट, कहानी कंप्लीट हो गई। अभी बाहरी चीज देख ली अपन ने, कंट्रोल सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, है ना? अंदर की बात, इस एंटायर कंट्रोल सिस्टम में जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर की बात करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली इस कंट्रोल सिस्टम में। हम इस कंट्रोल सिस्टम में हम देखेंगे कि कोई सी भी प्रोसेस हो उसको कैसे ऐसे बनाया जा सकता है, यानी कि ये ब्लॉक डायग्राम है उस प्रोसेस का। यदि आप ब्लॉक डायग्राम बना दो तो हर एक स्टेज का, हर एक स्टेज का, हर एक ब्लॉक का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, लाइक दिस। इफ दिस इज द इंटीग्रेटर, कंट्रोलर एज ए इंटीग्रेटर काम कर रहा है, तो इंटीग्रेटर का पता है मैथमेटिकल 1/s और नॉट, पता है कि नहीं? तो इन तमाम बॉक्सेस का, इन तमाम ब्लॉक्स का आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं। नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने के बाद इस पूरे सिस्टम का एक मैथमेटिकल मॉडल आप दे सकते हैं। तो जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन्हें आप एक मैथमेटिकल टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम। ये जो कंट्रोल सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं ना, तमाम प्रोसीजर्स को आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में क्रिएट करके रखने वाले हैं। क्यों? ताकि मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकें चीजों का। जब सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर, सैटेलाइट जब भेज रहे हैं वो भी आपका एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल हो गया, कंटिन्यूसली आप उसे ट्रैक कर रहे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, बराबर। तो जब सैटेलाइट आप भेजते हैं तो भेजने से पहले ढेर सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते हैं क्या? वहां भेजने से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कब कहां कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा, कब कमांड देनी है, कब वो ऑपरेट करेगा, सब कुछ मैथमेटिकली पहले ही कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स जो है किसी भी फिजिकल सिस्टम को ऑन पेपर करने की एक कितनी बेहतरीन कला हो गई। तो कंट्रोल सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें सारी प्रोसेसेस का मॉडल तैयार करना है आपको, मैथमेटिकल मॉडल, उसे ही हम यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन बोलेंगे। ट्रांसफर फंक्शन से उसे डिफाइन करेंगे। अभी भी मैं ट्रांसफर फंक्शन में नहीं, अभी सिर्फ आपको कुछ कुछ ये प्रैक्टिकल चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है, बराबर। जब सिस्टम के अंदर बात करेंगे तो उसके अंदर के पॉइंट्स की भी चर्चा करेंगे। कोई सी भी प्रोसेस आप डिफाइन कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें लगने वाली है उसमें, अगले लेक्चर से।
वो स्टार्ट करेंगे। अभी थेरी थेरी चल रहा है, अभी बेसिक चल रहा है, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, उसके बाद धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे, है ना। इट्स ओपनिंग, तो थोड़ा सा समझ लें पिच को, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। मिलूंगा अगली क्लास में।